ये है दोस्तों वाराणसी का भैरव चौक। ये कोदरिया वाराणसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर मंगलेश पांडे जी अपना फूड शॉप चलाते हैं। उनके फूड शॉप में दोस्तों सब्जी और कचौड़ी मिठाइयों में इमरती बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और इनका पनीर का प्लेट पकौड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और इनके फूड शॉप का नाम है गंगा बहार। आज हम लोग इन्हीं के गंगा बहार फूड शॉप का पनीर ब्रेड पकौड़ा तथा इमरती का स्वाद लेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं मंगलेश पांडे जी से मिलते हैं और उनके फूड शॉप के बारे में भी जानते हैं। क्या बना रहे भैया? पूरी पूरी कचौड़ी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम कब से लगे हुए हैं इस काम में? अरे हो गए 30 साल हो गए। अच्छा अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मंगलेश पांडे। मंगलेश पांडे कहाँ रहने वाले हैं? ये सिगरा। सिगरा के पास रहते हैं। तो ये कहाँ पर दुकान का खुला हुआ है? ये लीची बाग खुला हुआ है। लीची बाग वाराणसी। हाँ, लीची बाग वाराणसी। तो ये मतलब कब से दुकान खुली है? कितनी पुरानी दुकान है ये? ये पुरानी दुकान 50 साल। 50 साल। इसके पहले कौन देखता था भैया? उसके पहले दादा देखते थे, फिर भैया देख रहे हैं। कचौड़ी हो गया सुबह के नाश्ते में, कचौड़ी सब्जी जलेबी रहता है। फिर 12 बजे के बाद समोसे हो गए, कटलेट हो गए, ब्रेड हो गए, गाजर का हलवा हो गया, इमरती हो गया, लमरता हो गया, ये सब। तो इसमें सुबह का टाइम वही 7 से रात को 11 बजे तक रहता है। कचौड़ी सब्जी जलेबी आपको 2 बजे तक मिलेगा, बाकी छोले समोसे इमरती हो गया, लमरता हो गया, ये 11 बजे तक मिलेंगे। अच्छा, 1 से 11 सुबह तक चलता रहता है। हाँ, कचौड़ी सब्जी 3 बजे तक चलता रहता है। आपका क्या प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा? इमरती मेरा है, कचौड़ी सब्जी। अच्छा, इमरती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कचौड़ी बहुत ज़्यादा। इमरती और कचौड़ी सब्जी फेमस है। अच्छा अच्छा, और उसके बाद चलम रहता है 24। ये पनीर वाला कटलेट कितने बेचते हैं आप? पनीर ब्रेड आपका 20 का पीस है, छोले वोले डाल कर 25 का प्लेट पड़ता है। 25 का प्लेट पड़ जाता है बिना लहसुन प्याज। लेकिन अच्छा, लहसुन और प्याज नहीं डालते? बिना लहसुन प्याज। अच्छा, सब जितना जितना भी सामान है बिना लहसुन प्याज का बनता है। मेरा लौटा कैसे देते हैं? लौटा 12 रुपया पीस मिलेगा। खाया बढ़िया था यहाँ का? बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है यहाँ का। बहुत अच्छा मतलब बेचते हैं और दाम भी बढ़िया है। हाँ, दाम भी बढ़िया है, दाम बहुत बढ़िया है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, हाई क्वालिटी टेस्ट। दुकान के पहले ठेला भी लग रहा था, ठेले से फिर दुकान हुआ, फिर दुकान पर भी चल रहा है। यहाँ पर मतलब किस समय चोरी हो रहा है? पहली दुकान हम ही लोग का था। अच्छा, पहले बहुत कोई दुकान नहीं था यहाँ पर कचौड़ी सब्जी का। अच्छा, पहला दुकान ये है। अब उसके बाद धीरे धीरे लोग, फिर इतने बाद धीरे 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 प्रोग्रेस होता गया। रेट है मखाना लगा है, सब डाला हुआ है। तो सब्जी है ना? सब्जी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बजरंगी। खदवाड़ा लीजिएगा, चमन इधर लिया खाएंगे। खदवाड़ा चमन डाल दीजिएगा। तो मंगलेश पांडे जी का पनीर ब्रेड पकौड़ा खाते हैं। ये पनीर वाला खास ब्रेड है, कुल दाम इसका एक सिंगल में जो है कि 25 रुपया है, और ये छोले के साथ जो है 30 रुपया देते हैं। का बाहर जो है दुकान का नाम है, शॉप का नाम है। यहाँ का जो ब्रेड चाप बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ का जो पनीर ब्रेड है बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया स्वाद है। बनारस और खाना, यहाँ का जो खाना और बनारस का खाना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त होता है दोस्तों।
यहाँ के खास तौर से फूड आइटम तो ये एक से बढ़कर एक है। जब भी कभी खाना हो तो यहाँ पर जरूर आइए, अनाज का फूड का स्वाद लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग गंगा बहार का इमरती का स्वाद लेते हैं। ये 10 पे अपी से इमरती दोस्तों खास तौर से, चलिए खाते हैं स्वाद लेते हैं। भैरव चौक वाराणसी और मुंह में घुलती हुई इमरती की मिठास मेरे मन और तन को तृप्त कर गई। सच कहता हूँ दोस्तों कि भगवान भोले की नगरी में स्वाद का जादूगर कोई रहता है। गंगा बहार का इमरती का स्वाद शहद जैसा मेरे मुंह में घुलती गई। मैं वाराणसी में आकर बम्बोरे की नगरी का इमरती का स्वाद पाकर तो धन हो गया दोस्तों। 10 का दाम है दोस्तों यहाँ का इमरती का दाम, लेकिन बहुत बड़ा बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है कि आप आइए वैभव मंदिर के जो है कि ऋषि बाग के पास, या तो मतलब कोई फूड आइटम खाइए और मजा लीजिए दोस्तों यहाँ का। भैरवनाथ चौक के गंगा बहार के इमरती का स्वाद पाकर मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया दोस्तों। यहाँ की पुड़ियों का सुगंध तो अभी तक मेरे तन और मन को मदहोश किए जा रहा था। अगले एपिसोड में बनारस के कचौड़ियों का स्वाद का दर्शन कराऊंगा दोस्तों। आशा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।